हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रितु और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडियन रसोई पर। और हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बहुत सिंपल वे में हम अपने घर पर टेस्टी मैक्रोनी पास्ता कैसे बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली सभी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैक्रोनी ली हुई है जो मार्केट में इजीली मिल जाती है। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी ऐड कर लिया है और मैं इसमें अब 2 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। पानी गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूंगी और अब हम थोड़ी देर के लिए कढ़ाई को ढक देंगे। एक बार हम मैक्रोनी को चेक कर लेंगे। और ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है। मैं गैस ऑफ कर दूंगा और अब हम इनको निचोड़ लेंगे। मैक्रोनी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है और मैं इसमें अब लहसुन ऐड करूंगी जो मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन का हम गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी और इसका भी ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करूंगी। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर मैं इसमें थोड़े ज़्यादा ऐड करूंगी जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड करूंगी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम गैस ऑफ कर देंगे। कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल वे में हम अपने घर पर टेस्टी मैक्रोनी पास्ता कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।